नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश बोरनारे, पीएचडी इन एग्रीकल्चर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि जो अंगूर की खेती होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं ये अंगूर की खेती में हम खड़े हैं। ये हमारा अंगूर का बगीचा है, इसमें जो ESS टेक्नोलॉजी से स्प्रे किया जाता है उसका आज हम वीडियो देखेंगे और उसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अंगूर का बगीचा और आप देख सकते हैं इसमें अंगूर। तो ये अंगूर के बगीचे में ज़्यादातर जो स्प्रेइंग होती है उसकी एक्यूरेसी स्प्रेइंग करने के लिए हम लोग इस ESS का स्प्रे का यूज़ करते हैं। तो पहले तो ये आप देख सकते हैं ESS जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से होती है। इसमें ESS मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे। तो दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि जो नॉर्मल स्प्रे होता है उसमें जिस तरह से ये जो नोजल्स होते हैं उससे थोड़ा सा अलग प्रकार के नोजल इसमें लगे होते हैं। आप देखेंगे तो दोनों तरफ से सात सात नोजल इसमें लगे होते हैं और इसका जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं, इसमें डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस पे ये लगे होंगे क्योंकि इसमें जो स्प्रे निकलता है बहुत ही माइन्यूट होता है। अगर आप इसकी साइज बोलेंगे तो जो ड्रॉपलेट रहते हैं इसमें जो ESS स्प्रे में, तो ये ड्रॉपलेट का साइज जो है वो खाली 30 माइक्रॉन होता है, यानी जो अपने बाल होते हैं उससे भी 3 गुना कम, क्योंकि जो अपना एवरेज बाल होता है वो 100 माइक्रॉन का होता है और इसमें से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो 30 माइक्रॉन के होते हैं। तो ये बहुत ही माइन्यूट स्प्रे करते हैं और इसमें आप जो देख रहे होंगे इसमें ये जो एक इंडिविजुअल जो नोजल है, इस नोजल में ये जो लगा हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं ये वायर से इसको करंट दिया जाता है ताकि, और ये जो करंट है ये भी बहुत नॉर्मल करंट दिया जाता है, मतलब यानी यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट किया जाता है। तो जो भी लिक्विड हम इसमें देना चाहते हैं, जो भी दवाई हम इसमें डालना चाहते हैं वो इस टंकी में डाला होता है और वो इस नोजल में आता है यहाँ से, और इसके साथ में यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज देने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ रहता है। तो इस ESS का ESS में एक स्पेशल टेक्निक होती है कि इसमें जो भी स्प्रे जाता है उसके साथ उसमें निगेटिव चार्ज दिया होता है। और हम देख सकते हैं ये जो प्लांट है इसमें ये अबव द ग्राउंड है, इसमें इसलिए इसमें सब प्लस चार्ज है, और जब ये जो दवाई है और ये जो पेस्टिसाइड हम छिड़केंगे इसमें निगेटिव चार्ज दिया जाता है। तो ये निगेटिव चार्ज और ऊपर का पॉजिटिव चार्ज, यानी इसमें से जो भी दवाई निकलेगी वो इसमें चिपक जाती है। और नॉर्मली हम जब स्प्रेइंग करते हैं तो स्प्रेइंग के समय उसका जो ड्रॉपलेट साइज होता है वो भी बड़ा होता है और उसके कारण बहुत सारी जो पेस्टिसाइड है और जो महंगी दवाई है वो वेस्ट हो जाती है। लेकिन आप देख सकोगे तो इसमें बहुत ही माइन्यूट यानी 30 माइक्रॉन का ड्रॉपलेट होता है और वो भी उसमें चार्ज दिया हुआ रहता है, इसीलिए ये प्लस की तरफ एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है। आप हम लोग समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यही टेक्निक इस ESS स्प्रे में यूज होती है। और इसमें करीब 10 माइक्रो एम्पियर एक करंट दिया हुआ रहता है, उसकी वजह से ये ड्रॉपलेट जो है इस पूरे जो ये आप अंगूर का ये देख सकते हैं बंच, इसमें दोनों साइड से चिपक जाते हैं। जो भी ड्रॉपलेट्स पीछे से होंगे वो भी चिपक जाते हैं। जो नॉर्मल स्प्रे रहता है वो तो पत्तियों के पीछे से लगेगा लेकिन आगे से नहीं लगेगा, लेकिन ये जो ESS स्प्रे है वो इस तरफ से भी लगेगा और इस तरफ से भी लगेगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये जो निगेटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो ESS का ब्यूटी यही है कि आप भले भी वो ये जो पत्ती है किसी भी इसमें हो यानी कैनोपी में हो तो भी वहां पे ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से, अपोजिट चार्जेस की वजह से ये पहुंच जाता है। आप देख सकोगे, अब हम शुरू करते हैं इसको किस तरह से इसमें ये स्प्रेइंग होती है। भैया प्लीज, तो आप देख सकोगे एकदम माइन्यूट सा ये दिखता भी नहीं इतना माइन्यूट, यानी 30 माइक्रॉन का जो एक ड्रॉपलेट होता है। नहीं,
ये टेक्नोलॉजी है ESS टेक्नोलॉजी, और इसी तरह से ये अंगूर में स्प्रेइंग होता है।